अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लाहौर कलंदर मुसलसल तीसरी मैच में शिकस्त खा गई। अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी दबा दें। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, PSL 9 के सातवें मैच में मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में 167 रन का हदफ मुल्तान सुल्तान ने 19वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने लाहौर कलंदर के खिलाफ 82 रन की शानदार इनिंग खेलकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। इफ्तिखार अहमद ने धुआंधार बैटिंग करते हुए सिर्फ 11 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 34 रन बनाकर मैच को इख्तिताम तक पहुंचाया। डेड विली ने 25, रजा हेंड्रिक्स ने 9 और यासिर खान 8 रन बना सके। डेविड मलान खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। शाहिन आफरीदी और जमान खान ने 2-2 विकेट हासिल की, जबकि जार्ज के हिस्से में 1 विकेट आई। दोस्तों, कबल लाहौर कलंदर के कप्तान शाहिन आफरीदी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। लाहौर कलंदर ने 20 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बनाए। डुसैन चौहान और बकर जमान 41 रन के साथ निमाया रहे। सिकंदर रजा 23, जानदाद खान 16 और साहबजादा फरहान 2 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक 6 और कार्लोस ब्राथवेट 15 रन बनाकर आउट रहे। मुल्तान सुल्तान की तरफ से मोहम्मद अली ने 2, अब्बास आफरीदी और उसामा मीर ने 1-1 विकेट हासिल की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? और अगर आप क्रिकेट के मुताबिक हर आने वाली नई अपडेट सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी दबा दें। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।